मिक्सर ग्राइंडर का आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है हजारों साल पहले मसाला पीसने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आज हम आपको दिखाएंगे कि सिलवट्टे पे मसाला पीस के कैसे बनाया जाता है। सिलवट्टे का इस्तेमाल मसाला पीसने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले जो है सिल्ली ली गई है, जो की राजस्थान से लेकर आते हैं। अब इसे छेनी और हथौड़े की मदद से सेव दी जाती है, तब जाके सिलवट्टे के साइज में इसकी कटिंग होती है। आप देख सकते हो ये हार्डवर्किंग आंटी है जो 5 से 6 घंटे लगाती है एक सिलवट्टे को बनाने में। हजारों वर्षों से इसका इस्तेमाल मसाला पीसने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल की आधुनिक मशीनों ने इसकी जगह ले ली है। अब लोग मिक्सी और ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका समय बच सके, क्योंकि इसमें मसाला पीसने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि सिलवट्टे पे मसाला पीस के खाने से पथरी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब आप देख सकते हो, आपको एक ऑर्गेनिक चीज दिखाते हैं। इसके ऊपर जो कलर करने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है पत्तों का, पत्तों को पानी में भिगो के रखा गया था, और यहाँ पे आंटी जी हाथों की मदद से इसको पूरे पे सिलवट्टे पे जो है कलर करने वाली है। अब एक और ऑर्गेनिक चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करा जाएगा। आंटी जी यहाँ पे डालेंगी कोयला और इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर। कोयले का इस्तेमाल करा जाता है इसको ब्लैक कलर करने के लिए। तो आप देख सकते हो एक ऑर्गेनिक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे खाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। कोयले से ब्लैक कलर करने के बाद इस पे बनाया जाएगा डिजाइन छेनी और हथौड़ी की मदद से। आजकल शहरों में इसका इस्तेमाल लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। आजकल तो गांवों के अंदर भी लोग सिलवट्टे की जगह यहाँ पे मिक्सी और ग्राइंडर का इस्तेमाल करने लगे हैं। मार्केट में इतनी सस्ती चीजों को छोड़ के लोग मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं, जिसका कीमत मार्केट में 9 से 10 हजार रुपए होता है, और इसका रेट जान के आपके दोस्तों होश उड़ जाएंगे। ये सिलवट्टा आपको मार्केट में 100 रुपए से 120 के अंदर आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ये आंटी 40 सालों से सिलवट्टा बनाने का काम कर रही है, जिसमें आंटी जी को कुछ भी नहीं बचता है, मात्र गुजारा करने के लिए ये यहाँ पे सिलवट्टे बना के बेचती हैं। सिलवट्टे को आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो अपने आप माता पिता से पूछ के बता सकते हैं। सिलवट्टे पे बने मसाले का इस्तेमाल अगर खाने में किया जाए तो स्वाद बहुत ही ज्यादा निखर कर आता है। आजकल के जमाने में दोस्तों ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। आप में से बहुत से लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। इसको बनाने में दोस्तों कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, तब जाके कहीं ये सिलवट्टा बन के तैयार होता है। आंटी जी का बचपन बीत गया इस सिलवट्टे को इसी तरह से बना बना के बेचते हुए। इनके पिताजी भी यही काम करते थे और आज ये भी यही काम कर रही हैं। आप देख सकते हो इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी आंटी को कुछ भी नहीं बचता, मात्र 20 रुपए पर सिलवट्टा कमा पाती है आंटी जी। क्या आपने भी सिलवट्टे पे बनी हुई मसाले की सब्जी का इस्तेमाल खाना बनाने में करा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आप भी ये सिलवट्टा खरीदना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे आंटी जी से खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही कम रेट में आंटी यहाँ पे दे देंगी। आप देख सकते हो आंखों के सामने बना बना के रखती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर इस पत्थर के ऊपर मसाला पीसता कैसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि आंटी यहाँ पे कैसे मसाला पीसेंगी। छेनी और हथौड़े की मदद से जो निशान बनाए गए हैं उसी की वजह से यहाँ पे मसाला जो है पीस के तैयार होता है। तो देखो आंटी ने इसको साफ कर दिया अच्छे से। हमारे पास अभी दोस्तों मसाला तो है नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे पत्थर को भी आंटी यहाँ पे पीस देती है एकदम आटे की तरह। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आंटी जी की मदद हो सके।